एक्सप्रेशन देखने थे। अभी रो रही है, सीरियस हो गई, रो रही है। अरे मैं मजाक कर रही थी, मेरी बच्चा थर्ड आई है, तू थर्ड आई है, पास हो गई है, थर्ड आई है, पास हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनाया अजान ब्लॉग। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है प्रैंक ब्लॉग। आज ना इनाया का ओपन हाउस था, तो इसके स्कूल में मैं गई थी। उसको पता ही नहीं, वो अपनी दादी के घर पर है, वो सो रही है, तो मैंने उसको बताया नहीं और मैं खुद चली गई। तो उसका जो रिज़ल्ट है माशाल्लाह अच्छा आया है, थर्ड आई है स्कूल में। तो हम उसे प्रैंक करेंगे कि वो फेल हो गई। देखते हैं उसके एक्सप्रेशन कि वो कैसे एक्सप्रेशन देखती है। नाया, आपके जो तेरे पेपर गए स्कूल में वो कैसे गए? अच्छे गए? तुझे चांसेस है कि तेरे क्या रैंक आया रहेगा, तुझे पता है? तो बताओ तेरा रैंक क्या आया है? ना फर्स्ट आया, ना सेकंड आया, ना थर्ड आया, ना फोर्थ, ना फिफ्थ। प्रमोट हुई है तू स्कूल में से, प्रमोटेड पास हुई है धक्का खा के। कितना मैम लोग ने, सर लोग ने मेरे को चिल्लाए, मालूम है? बोले कि इतना अच्छा पढ़ने वाली बच्ची इतना लो कैसे चली गई। बॉर्डर पे तू एकदम, एक दो मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो जाते ना फेल हो जाती। कैसे? कैसे ना आया? मैंने तेरी ट्यूशन भी चेंज करवाई इसलिए कि तेरी पढ़ाई में और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, तो तू और लो पे चली गई, पेपर इतना खराब देकर आई। कुछ बोलेगी, जवाब देगी? कैसे तेरे पेपर ऐसे खराब गए इतने? कैसे फेल होने पे आ गई तू? 10 मार्क्स के वजह से तू बच गई, ओनली 10 मार्क्स। अगर वो 10 मार्क्स कम होते ना तू फेल हो जाती थी। क्या हो गया? कुछ बोलेगी? मुझे ये काउंसलिंग वीडियो सर को भेजना है, किस वजह से? रिजल्ट देख के तो तेरा नहीं लगता तू पढ़ी थी, इतना कम ग्रेड कैसे आ गया तेरा? कैसे कम आया है नाया? हाउ? कुछ बोलेगी? कितना खराब लगा मुझे मालूम, स्कूल पे जाने के बाद जब मैंने बोर्ड पे देखी ना, फर्स्ट नंबर पे हुस्ना है, सेकंड नंबर पे मुस्कान है और थर्ड नंबर पे तेरा नाम लिखा था। कितना खराब लगा मुझे। ये तेरे साथ फ्रैंक हो रहा था इनाया। तेरे फ्रेंड्स लोग को तेरे एक्सप्रेशन देखने थे। अभी रो रही है, सीरियस हो गई, रो रही है। अरे मैं मजाक कर रही थी, मेरी बच्चा थर्ड आई है, तू थर्ड आई है, पास हो गई है, थर्ड आई है, पास हो गई है। रो मत, थर्ड आई है, पास हो गई है। तेरे फ्रेंड्स को तेरे एक्सप्रेशन देखना था। स्पेशली मुझे उस्ताद ने बोली कि आंटी मुझे इनाया का एक्सप्रेशन देखना है कि इनाया का एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो पास हो गई है, थर्ड आई है, थर्ड, पागल क्लास में। अभी अगली बार और अच्छा करना। रोने का क्या है, मजाक कर रही थी। अरे तेरे लिए फ्रैंक हो रहा है, फ्रैंक। तो फ्रेंड्स ये हो रहा था इनाया के साथ में प्रैंक, और उसने ये प्रैंक इतना सीरियसली ले ली ना, रोने लग गई। ये देखो यहाँ पर बैठी है, पागल रो रही है। एक्चुअली इसके इसमें रियल में मार्क्स की कम आई। हर स्कूल में ये है ना, हमेशा सेकंड आती थी, इस बार थर्ड आई है, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेगी, और अच्छा करेगी ना इनाया, है ना? अच्छा लगा थर्ड आई? थर्ड आके कैसा लगा आपको? थर्ड आके कैसा लगा? मुझे खराब लगा, सेकंड आना था तुझे या फर्स्ट आना था? नेक्स्ट टाइम सेकंड या फर्स्ट आई? मेरे को भी खराब लगा, मेरे को
ना लाइक तू तो चाहता है कि तेरी बहन कभी पास ही ना हो, तू पास हो, है ना, है ना। तो कुछ बोले कि ना यार, कुछ बोल, कुछ नहीं, सीरियस हो गई थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इमोशन हो गई, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशन हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको प्रैंक कैसा लगा इनाये के ऊपर जो हमने आज प्रैंक किया? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये था हमारा मिनी सा व्लॉग, प्रैंक व्लॉग, है ना। मजा आया इनाये के साथ प्रैंक करके। चलिए बाय बाय, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। दबा कर Thank you.